सो गाइज वेलकम टू योर चैनल दासल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले WWE हेल इन अ सेल 2020 के बारे में। सो गाइज आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे इस साल जो हेल इन अ सेल के जो जो मैच कंफर्म हो चुके वो और उनके रिजल्ट्स भी हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। लेकिन रिजल्ट्स के अंदर मेरे कोई अपने प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, इसमें हम देखेंगे जो जो WWE के बैटिंग आउट के हिसाब से फेवरेट अवे सुपरस्टार को हम देखने वाले हैं। अगर इसके अलावा हम ये भी देखने वाले कि हमें यार क्या कुछ देखने को मिल जा सकता है। तो गाइज बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच जो कि होने वाला है वो होने वाला है रिटर्निंग सुपरस्टार एलायस जेफ हार्डी के बीच में, और ये मैच है फायरबर्ट एलायस -150 पॉइंट्स के साथ, और वहीं मिले जेफ हार्डी को +110 पॉइंट्स। नेक्स्ट मैच होने वाला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में इनसाइड हेल इन अ सेल, और ये होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए भी। अगर इस मैच में फायरबर्ट है करंट WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर -200 पॉइंट्स के साथ, और वहीं मिले द वाइपर रैंडी ऑर्टन को +150 पॉइंट्स। तो गाइज बैटिंग आउट के हिसाब से ड्रू मैकइंटायर अपने चैंपियनशिप रिटेन करते हुए हमें दिखाई दे जाएंगे। सो गाइज नेक्स्ट मैच जो कि कंफर्म हो चुका है वो है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, और ये भी होने वाला है इनसाइड हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर। अगर ये अकलौता हेल इन अ सेल वुमेन मैच होने वाला हेल इन अ सेल के अंदर, अगर इस मैच में फायरबर्ट साशा बैंक्स -225 पॉइंट्स के साथ, और वहीं बात करें बैली को तो बैली को मिले +160 पॉइंट्स। तो गाइज बैटिंग आउट के हिसाब से हमें ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि साशा बैंक्स न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन जाए। सो गाइज नेक्स्ट मैच जो फाइनल मैच जो कि मेन इवेंट पे होने वाला है वो होने वाला था ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स पर्सन ये उस के बीच में, अगर ये हेल इन अ सेल के अंदर होने वाला है मैच, और ऊपर से ये मैच आईक्यूड मैच भी होने वाला है। तो वैसे काफ़ी बड़ा मैच हमें देखने को मिलने वाला है। अगर इस मैच में हाईली फेवरेट द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स -200 पॉइंट्स के साथ, और वहीं पर जे उसो से अंडर डॉग +900 पॉइंट्स के साथ, अगर इस प्लस बहुत ज़्यादा यहाँ पे -2800 पॉइंट्स मतलब 2800 पॉइंट्स के साथ फायरबर्ट यहाँ पे रोमन रिंग्स है, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोमन रिंग्स आगे भी है, काफ़ी बड़ा इसमें बैटिंग आउट्स के अंतर भी है। अगर जब हमें यही देखने को मिलने वाला है कि रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप रिटेन भी करने वाले हैं। सो गाइस जब बात कर ले तो वो चीज़ के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जा सकती है, सो गाइस हमें रॉक रिटर्न करते हुए शायद से दिखाई दे जा सकते हैं। तो गाइस रिसेंटली रोमन रिंग्स को रॉक ने कहा था कि अगर वो WWE के अंदर आते तो रोमन रिंग्स को फेस भी करना चाहते हैं। अगर ये काफ़ी सारे चांसेस है कि हमें जल्दी रोमन रिंग्स एंड रॉक का मैच भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मे भी ऐसा हो सकता है जब रोमन रिंग्स जेसस को रहा तो उसके बाद रॉक आए और वो कंफर्ट कर दे रोमन रिंग्स को, और वो अटैक भी कर सकते हैं रोमन रिंग्स के ऊपर। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।